खबर रीवा से है, जहां के एसएएफ मैदान में आयोजित रोजगार दिवस में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का मंच से बड़ा आदेश। रीवा कलेक्टर और एसपी को राजनिवास गेस्ट हाउस में हुई दुष्कर्म की घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आदेश दिया। इसके साथ ही आरोपियों के घरों में जाकर बुलडोजर चलाने की भी बात कही। बीते दिनों महंत सीताराम ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और इस घटना से सीएम काफी नाराज दिखे। बुधवार को रीवा के एसएएफ मैदान में आयोजित रोजगार दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही कहा कि जो दादागिरी करते थे, लोगों का खून चूसते थे, उन्हें जमींदोज करने का हमने काम शुरू किया है। बीते दिनों सर्किट हाउस में महंत सीताराम के द्वारा नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने मंच से कहा कि इस बार घटना के बारे में मैंने पढ़ा है और ये घटना भी राजनिवास में हुई है। बेटी के साथ किसी ने दुराचार किया है तो उसे किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा, उसे पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। सीएम ने मंच से ही कलेक्टर और एसपी से कहा कि ये बुलडोजर कब काम आएंगे, करो इनको जमींदोज, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडे और बदमाशों को जो बहन बेटियों की तरफ गलत नजर से देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा, बेटियों की तरफ गलत नजर रखने वालों को जमींदोज कर दिया जाएगा, बुलडोजर चलेंगे और पूरी तरह से उन्हें तोड़ दिया जाएगा, उनको मध्य प्रदेश की धरती में चैन से नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में देर नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी अधिकारियों को कहा कि ये भी पता लगाया जाए कि गुंडे और बदमाशों को सर्किट हाउस देने वाला कौन था। हाल ही में स्थानीय सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में सतना की नाबालिग को जबरन शराब पिलाकर महंत का चोला ओढ़े सीताराम के द्वारा दुष्कर्म की घटना ने सभी को हिला कर रख दिया। आजकल उन सबको जमींदोज करने का फैसला हमने लिया है। मैं कहना चाहता हूं, अभी कलेक्टर है, एसपी है, पिछले दिनों एक घटना के बारे में मैंने आज पढ़ा है और वो घटना भी यहाँ के राजनिवास में हुई है। एक बात साफ सुने, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जो गुंडे जो बदमाश है जिनने इसकी हरकत की है, मैं कहना चाहता हूं कहां कलेक्टर और एसपी कहां आएंगे, ये गुंडे कब काम आएंगे, करो इनका जमींदोज, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडों और बदमाशों को जो बहन और बेटी की तरफ गलत नजर उठा के देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये, मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा, बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले जमींदोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे और पूरी तरह से उनको तोड़ दिया जाएगा। उनको मध्य प्रदेश की धरती पर मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बताओ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, जो सरकार होनी चाहिए कि नहीं, कैसे छोड़ने लगा मैं इसमें देर किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और यह भी पता लगाना जो बेटा बेटियों को रोजगार मिला है, उनको मैं शुभकामना।